बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से अपने बहन भाइयों समेत, अपने ख़ानदान वालों के समेत सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बहनों और भाइयों, आज की जो मैं डिश है हमारी वो है चिकन आलू का वाइट पुलाव। तो इसके लिए ये चिकन है मेरे पास और ये आलू हैं। ये एक प्याज है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह ही काट लिया। दो मेरे पास टमाटर हैं, दो हरी मिर्च हैं और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हैं आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर, और एक चम्मच मेरे पास है नमक। ये मैं गोश्त भूनते हुए मतलब ये डालूंगी, चावलों का नमक मैं बाद में डालूंगी। और इसके अलावा ये मेरे पास साबुत मसाले हैं, तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बादियान कपूर और दालचीनी। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे वो लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चढ़ा लिया मैंने चूल्हे पे। इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन पौन कप कुकिंग ऑयल। प्याज प्याज मैं सोते कर लूँगी, मैं प्याज गोल्डन नहीं करूँगी, ना ही सुरख करूँगी, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए जो प्याज है वो वाइट ही रखते हैं। प्याज हमारे जो हैं सोते हो गए हैं, देखिए इस तरह। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल 2-3 चम्मच पानी मैंने इसमें डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर भून लेती हूँ, जो अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। टमाटर ऐड कर देती हूँ, साथ ही मसाले, नमक और ब्लैक वाइट पेपर। थोड़ी देर भून लेती हूँ। ये 1 चम्मच कुटा हुआ सूखे धनिया, ये भी ऐड कर दिया मैंने। ढक्कन लगा दिया था मैंने, मसाला हमारा तकरीबन तैयार है। चिकन डाल देती हूँ, चिकन थोड़ा सा भुन जाए तो फिर मैं इसके साथ ही आलू भी डाल दूंगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए, अब मैं आलू भी इसमें ऐड कर दूंगी, साथ ही आलू भी भून लूंगी तो आलुओं में भी बहुत अच्छा चिकन का और मसाले का टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े की हो जाते हैं। हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी मैंने, ऐड कर देती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, गोश्त हमारा और आलू जो हैं वो भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चावल के हिसाब से पानी। ढक्कन लगा देती हूँ, उबाल आ गया है पानी में। अब मैं चावल जो है उसमें मैंने पानी निथार लिया है, ऐड कर देती हूँ। आधा किलो चावल है ये और आधा घंटा हो गया मुझे भिगोए हुए।
अब मैं थोड़ी देर बाद नमक चख लूंगी, कम ही होगा लेकिन मैं चख के फिर डालूंगी इसमें। चावल काफी फैल गए हैं तो मैं नमक चख लेती हूँ। नमक बहुत कम है, ये तकरीबन एक चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया है। उम्मीद है कि ये इतना बहुत होगा। सिरका है मेरे पास ये, तो मैं ये दो चम्मच सिरका इसमें ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पानी थोड़ा जाओ, वो पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए तो फिर मैं दम पे रख दूंगी। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, मैं अब दम पे रख देती हूँ, आंच में बहुत धीमी कर दूंगी, काफी धीमी कर दी आंच मैंने, और 5-7 मिनट में दम पे रखूंगी। चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी है और बहुत जबरदस्त, और चावल जरा ज्यादा गले हैं क्योंकि चावल नए थे और मुझे पता नहीं था। चलो टेस्ट तो इसके अंदर ही है ना, माशाल्लाह। डिश आउट करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत बहुत मजेदार चिकन आलू वाला वाइट पुलाव रेडी है, और हम आज इसको साथ खाएंगे। अचार है ये, ताज़ा अचार मैंने बनाया है आम का, बगैर मसाले वाला, क्योंकि ये कच्चे आम थे, और इसके साथ लसूड़े का अचार है ये, और ये है प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा सलाद मैंने बनाया है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, तो आप बहन और भाइयों इस तरह ज़रूर बनाएं, खाएं, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखें। तो बहन और भाइयों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।